गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मटेरियल टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, बीटेक सिविल, सेमेस्टर फोर्थ का यूनिट फर्स्ट का पार्ट सेकंड। टेबल ऑफ कंटेंट में देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, यूजेस ऑफ सीमेंट। तो आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेंट एंड टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। सीमेंट इज द मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस, सैलिसियस and argillaceous and other substance which is used as a binding material in mortar concrete। तो सीमेंट मिक्सचर है किसका, कैलकेरियस का। तो कैलकेरियस आता है का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, सैलिसिस का मतलब होता है सिल्का SiO2, और argillaceous का मतलब होता है सिल्का, एलमोनिया, ऑक्साइड ऑफ आयरन या क्ले कंटेंट। इन सब के मिक्सचर से क्या करते हैं, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और सीमेंट क्या करता है, एक बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है सीमेंट, इसमें मोर्टार या कंक्रीट में। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, लाइम 63%, सिल्का 22%, एलमोनिया 6%, आयरन ऑक्साइड 3%, जिप्सम 1-4%। बोगेज कंपाउंड्स, C3S सिलिकेट्स एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड ऑफर रेसिस्टेंस टूवर्ड द अटैक ऑफ एसिड एंड अल्कलाइज। नेम ऑफ कंपाउंड, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स, फार्मूला C3CaCO SiO2, एब्रिवेट फार्मूला C3S, हाइड्रेट रैपिडली, प्रोवाइड अर्ली एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो हमारे जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स है, ये क्या करता है कि काफ़ी जल्दी जब सूख जाता है वो काफ़ी अर्ली और अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट्स, 2CaO SiO2, C2S का मतलब होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट्स, इट हेल्प्स हाइड्रेट स्लोली, ये काफ़ी धीरे धीरे हाइड्रेशन होती है इसमें, प्रोवाइड स्ट्रेंथ आफ्टर ए ड्यूरेशन ऑफ 7 डेज। जो हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट्स है वो कंक्रीट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है 7 दिन के बाद। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, 3CaO Al2O3, इसका फार्मूला है एब्रिवेटेड फार्मूला C3A। C3 का मतलब होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, हाइड्रेट्स रैपिडली, ये काफ़ी जल्दी सूख जाता है, प्रोवाइड अर्ली स्ट्रेंथ एंड लेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये काफ़ी जल्दी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बट जो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, फार्मूला 4CaO Al2O3 Fe2O3, एब्रिवेटेड फार्मूला C4AF, डज नॉट प्रोवाइड स्ट्रेंथ बट स्टेबल देन C3A, जो प्रोवाइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता बट CA3 से अच्छा है, बट सिलिकेट से, बट ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से अच्छा है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सीमेंट। फर्स्ट आता है ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सेकंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, नेक्स्ट एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पोर्टलैंड पोजलिना सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, हाई अल्मोना सीमेंट, एयर एंटरिंग सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट, इमेजिनरी सीमेंट, एक्सपेंसिव सीमेंट, कलर्ड सीमेंट एंड वाइट सीमेंट। लेट अस स्टडी वन बाय वन। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इट इज कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट बिकॉज ऑन हार्डनिंग इट्स कलर resembles to rock near Portland in England। Portland cement इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी जल्दी हार्ड हो जाता है, और इसका जो कलर है वो इंग्लैंड में एक प्लेस है पोर्टलैंड, वहाँ पे रॉक्स पाए जाते हैं उसकी तरह इसका कलर पाया जाता है। इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस इन 1824 बाय जोसेफ एस डीन इंग्लैंड। ऑर्डनरी पोर्टलैंड को इंट्रोड्यूस किया था जोसेफ एस डीन ने इंग्लैंड में 1824 में। मोस्ट पॉइंट टाइप ऑफ सीमेंट क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, OPC को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, 33 ग्रेड्स,
43 grades and 53 grades. Chemical composition of ordinary Portland cement is, the major constituents are lime, CaO 62-63%, silica, SiO2 17-25%, aluminum, Al2O3 03-08%. Chemical composition of Portland cement continued, the auxiliary constituents, auxiliaries का मतलब होता है provide supplement या additional, iron oxide Fe2O3 0.5-6%, magnesia MgO 1.5-3%, sulfur trioxide SO3 1-2%, gypsum 1-4%. Function of cement manufacturing constituents. Lime, CaO. Lime forms nearly 2/3 of the cement. Cement का जो limes का portion वो 2/3 पाया जाता है. Therefore, sufficient quantity of the lime must be in the raw material for the manufacturing of cement. Cement की manufacturing के लिए raw material में lime की quantity sufficient होनी चाहिए. Its proportion has an important effect of the cement. इसकी जो ratio, इसकी जो proportion है limes की, वो sufficient होनी चाहिए, जिसका अच्छा important effect पड़ता है cement पे. Sufficient quantity of lime form dicalcium silicates and tricalcium silicates in the manufacturing of cement. तो sufficient quantity है lime की, जब हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहाँ पे ये डेवलप कर देती है डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट्स को. लाइम इन एक्सेस काज द सीमेंट टू बी एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेटेड. अगर लाइम ज़्यादा हो जाता है हमारे सीमेंट में, तो लाइम की वजह से हमारा सीमेंट में एक्सपेंशन आ जाती है और वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, जब क्या होता है वो हार्डनिंग होता है. नेट सिलिका SiO2, the quantity of silica should be enough to form dicalcium silicates. Dicalcium silicates या tricalcium silicates के formation के लिए sufficient quantity होनी चाहिए silica की. Silica gives strength to the cement. Silica से cement को strength मिलती है. Silica in excess cause the cement to be set slowly. अगर silica की quantity ज़्यादा होगी cement में, तो cement क्या करेगा, slowly slowly hardening होगा. Alumina Al2O3, एल्यूमिना स्पोर्ट्स टू सेट क्विकली द सीमेंट. एल्यूमिना क्या करता है, सीमेंट को क्विकली सेट करता है. लोअर द क्लिंकरिंग टेम्परेचर, जो क्लिंकर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके टेम्परेचर को कम करता है. एल्यूमिना इन एक्सेस रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट. अगर एल्यूमिना ज़्यादा होगा तो सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. आयरन ऑक्साइड्स Fe2O3, आयरन ऑक्साइड्स गिव कलर टू द सीमेंट. Magnesia MgO, it also help in giving color to the cement. Magnesia in excess makes the cement unsound. Calcium sulfate or gypsum, at the final stage of manufacturing, gypsum is added to increase the setting of cement. जब final stage होती है manufacturing की, तो gypsum को add किया जाता है ताकि वो setting of cement का time को बढ़ा सके. Second is rapid hardening cement, also known as early gain in strength of cement. जो हमारा rapid hardening cement होता है, इसको हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, strength of cement, also known as early gain in strength of cement. This cement contains more percentage of C3S, silicas की percentage ज़्यादा होती है, and less percentage of C2S, dicalcium silicates की percentage इसमें कम होती है. हाई प्रपोर्शन ऑफ C3S और C3S मतलब सिलिकेट्स की प्रपोर्शन इसमें ज़्यादा होती है, विल इम्पार्ट क्विकली हाइड्रेशन, जिससे हीट ऑफ हाइड्रेशन में जल्दी हो जाती है. द हाई स्ट्रेंथ एट अर्ली स्टेज इज ड्यू टू फाइनर ग्राइंडिंग. जो हाई स्ट्रेंथ, जो मतलब जब सीमेंट हमारा हार्डनिंग होगा तो हाई स्ट्रेंथ आ जाती है अर्ली स्टेज में, क्योंकि इसके पार्टिकल काफ़ी फाइनर होते हैं. As the fineness of cement will expose greater surface, जैसे ही सीमेंट की फाइननेस एक्सपोज करी ग्रेटर सरफेस पे, सरफेस एरिया पे, ऑफ एक्शन ऑफ वाटर. द स्ट्रेंथ ऑब्टेंड बाई द सीमेंट इन 3 डेज इज सेम एज ऑब्टेंड इन OPC इन 7 डेज.
अगर ओपीसी में स्ट्रेंथ 7 डेज में आती है तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो स्ट्रेंथ है वो आपकी 3 डेज में आ जाएगी। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम आर सेम एज ओपीसी, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम सेम रहता है जैसे हमारा ओपीसी का है, 30 मिनट्स एंड 10 आवर। 30 मिनट्स आगे हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम आता है हमारा 10 आवर्स। एंड सोरनेस टेस्ट बाय ली चैटरली इज 10 mm एंड ऑटोक्लेव इज 0.8%। ग्रेटर लाइम कॉन्टेंट देन ओपीसी, ओपीसी से इसमें लाइम कॉन्टेंट ज़्यादा पाया जाता है। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इट इज ऑब्टेंड बाय इंटरग्राइंडिंग CaCl2 विद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। यहाँ पे CaCl2 का मतलब है कैल्शियम क्लोराइड। एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड शुड नॉट एक्सीड 2% बाई वेट ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। कंक्रीट मेड बाई यूजिंग दिस सीमेंट शुड बी ट्रांसपोर्ट प्लेस्ड कॉम्पैक्ट एंड फिनिश्ड विद इन अबाउट 20 मिनट्स। जो हमारा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इससे जो कंक्रीट बनाई जाती है उसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कॉम्पैक्ट के लिए या फिनिशिंग देने के लिए विद इन अबाउट 20 मिनट्स। मतलब जब हम जे इस सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो हम 20 मिनट्स के अंदर ही अपने मटीरियल को यूज़ कर लेना है। स्ट्रेंथ इज़ हायर दैन 25% दैन दैट ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एट 1 or 2 days। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 25% ज़्यादा होती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से, और जो स्ट्रेंथ अपनी 1 या 2 दिन में गेन कर लेता है। फोर्थ है सुल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, इट इज़ मॉडिफाइड फ्रॉम द ओपीसी। इसको ऑर्डिनरी पोलैंड सीमेंट से मॉडिफाई किया गया है एंड इज स्पेशली मैन्युफैक्चर टू रेजिस्ट द सुल्फेट, और स्पेशली इसलिए बनाया गया है ताकि ये सुल्फेट अटैक को रेजिस्ट कर सके, सहन कर सके। द सीमेंट कंटेन लो परसेंटेज ऑफ C3A एंड हाई परसेंटेज ऑफ C3S। जो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट है इसमें लो परसेंटेज आती है C3A की, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इसमें कम पाया जाता है और हाई पाया जाता है C3S, सिलिकेट इसमें ज़्यादा पाया जाता है। दिस सीमेंट्स रिक्वायर लॉन्गर पीरियड ऑफ क्यूरिंग, इस सीमेंट्स को क्यूरिंग के लिए ज़्यादा समय चाहिए। इट डिवेल्प स्ट्रेंथ स्लोली बट अल्टीमेटली इट इज़ द स्ट्रॉन्ग ऑफ OPC। इसमें जो स्ट्रेंथ डिवेल्प धीरे धीरे होती है बट OPC से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्विक सेटिंग सीमेंट, दिस सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिंग स्मॉल परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट विच एक्सेलरेट द सेटिंग एक्शन। जो हमारा क्विक सेटिंग टाइम होता है इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम एल्युमिनियम सल्फेट ऐड करते हैं, और एल्युमिनियम सल्फेट क्या करता है हमारा सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट कर देता है। जिप्सम कंटेंट इज रिड्यूस, जिप्सम को हम कम कर देते हैं। सेट फास्टर दैन ओपीसी, ओपीसी से जल्दी फास्टर सेट हो जाता है ये। इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ 5%, स्टार्टिंग जो सेटिंग टाइम वो 5% रहता है, और फाइनल सेटिंग टाइम है जो फाइनल सेटिंग टाइम वो रहता है 30 मिनट। लो हीट सीमेंट, लो परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम ल्यूमिनेट एंड सिलिकेट्स एंड हाई परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट्स टू कीप द हीट जनरेशन लो। लो हीट सीमेंट में क्या किया जाता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और सिलिकेट की परसेंटेज कम रखी जाती है और डाई कैल्शियम सिलिकेट की परसेंटेज ज़्यादा रखी जाता है कि हीट जनरेट कम हो वहाँ पे। वेरी स्लो रेट ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेंथ एज रेट ऑफ C3S कंटेंट इज़ लो। स्ट्रेंथ गेन करने में काफ़ी टाइम लगा लेता है क्योंकि C3S कंटेंट उसमें कम होता है। हीट इन्वॉल्व्ड 7 डेज 66 कैल्शियम पर ग्राम एंड 20 डेज 75 Cl पर ग्राम। इनिशियल सेटिंग टाइम 1 आवर, स्टार्टिंग जो सेटिंग टाइम 1 आवर रहता है और फाइनल सेटिंग टाइम रहता है 10 आवर। बेटर रेसिस्टेंस टू केमिकल अटैक देन OPC, तो उस पर केमिकल अटैक कम होता है एज कम्पेयर देन OPC। नेक्स्ट आता है हमारा पोर्टलैंड पोजोलिना सीमेंट, OPC क्लिंकर्स एंड पोजोलिना कैल्सिनाइड क्ले सुरखी एंड फ्लाई ऐश ग्राउंड टूगेदर, इन सबको क्या किया जाता है इकट्ठा किया जाता है, प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड ऑफर ग्रेट रेजिस्टेंस टू टेक ऑफ सल्फेट्स। इससे इन तीनों की हेल्प से क्या किया जाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम प्रोड्यूस होती है और सल्फेट अटैक्स से भी बचा जा सकता है।
यूज्ड इन मेराइन वर्क एंड मास कंक्रीट। मेराइन वर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है जब मास कंक्रीटिंग में। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज मोर देन ओपीसी, ओपीसीज में इसकी ओपीसी से ज़्यादा इसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ पाई जाती है। लो श्रिंकेज एंड ड्राइंग, सूखने पे श्रिंक कम करता है, सुकड़ता कम है। वाटर टाइटनेस, और ये वाटर प्रूफ भी माना जाता है। नेक्स्ट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर जिप्सम एंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग विच शैल नॉट एक्सीड 65%। ब्लैकिश ग्रे इन कलर, जो ब्लैकिश ग्रे इन कलर पाया जाता है। लेसर हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम आती है। सूटेबल फॉर मराइन वर्क्स, मास कंक्रीटिंग। ऑफर गुड रेसिस्टेंट ऑफ द अटैक टू ऑफ सल्फेट्स। हाई एल्यूमिना सीमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम ओपीसी, जो ओपीसी से अलग पाया जाता है। करेक्टराइज बाय इट्स डार्क कलर, इसका कलर काफ़ी डार्क पाया जाता है। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें। एंड रेसिस्टेंट टू केमिकल अटैक, और केमिकल अटैक से भी बचाव रखता है। इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ 4 hour एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज़ 5 hours। रॉ मटेरियल यूज्ड आर लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट्स। एयर एंट्रिंग सीमेंट्स ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर एंट्रिंग मटेरियल। ओपीसी विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर एंट्रिंग मटेरियल ऑयल फैट्स फैटी एसिड ग्रोन टूगेदर्स। एयर एंट्रिंग सीमेंट में क्या किया जाता है कि जो ओपीसी होता है उसमें स्मॉल क्वांटिटी में एयर एंट्रिंग मटेरियल डाले जाते हैं। ओपीसी में क्या किया जाता है कि स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल क्वांटिटी में एयर एंट्रिंग मटेरियल डाले जाते हैं, जैसे ऑयल फैट्स फैटी एसिड्स। एयर इज एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेनी एयर बबल्स, जो एयर एंटर करेगी वो छोटे छोटे फॉर्म ऑफ बबल्स में एंटर करेगी। विच इनहेंस द वर्केबिलिटी, जो हमारी वर्केबिलिटी को बढ़ाएगी, जो कार्यशक्ति को बढ़ाएगी। एंड रिड्यूस द सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, जहाँ पे सेग्रीगेशन का मतलब है कि जो जब हम कंक्रीट बनाते हैं और उसमें एग्रीगेट्स होते हैं वो बिखर के साइड साइड हो जाना, और ब्लीडिंग का मतलब होता है जब उसमें से पानी बाहर निकलता है। इट इंक्रीज सल्फेट वाटर रेसिस्टेंट ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट आता है सुपर सल्फेट सीमेंट ग्राउंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग प्लस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट प्लस CaSO4, मतलब कैल्शियम सल्फेट। हीट ऑफ हाइड्रेशन विच इज़ कंसिडरली लोअर, इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बड़ी कम होती है। एंड आल्सो रेसिस्टेंट टू सल्फेट अटैक, और सल्फेट अटैक से भी बचाव रखता है। यूज इन मराइन स्ट्रक्चर्स एंड मास कंक्रीट वर्किंग। मेसनरी सीमेंट्स अनलाइक ऑर्डनरी सीमेंट इट इज़ मोर प्लास्टिक, इसमें प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा होती है। मेड बाई मिक्सिंग हाइड्रेटेड लाइम क्रशिंग स्टोन ग्रैनुलेटेड स्लैग और हाईली कोलाइडेड क्ले आर मिक्सड इड। मेजनरी सीमेंट बनाने के लिए हमें हाइड्रेटेड लाइम, क्रश्ड स्टोन, ग्रैनुलेटेड स्लैग या हाईली कोलाइडेड क्ले आपस में तीनों को मिक्स करना पड़ता है। एडिशन ऑफ अबव मैंशन मटीरियल रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, जितना भी हमने ऊपर मैंशन किए हैं मटीरियल, ये क्या करता है सीमेंट की स्ट्रेंथ को कम कर देता है। एक्सपेंसिव सीमेंट द मेन डिफरेंस इन दिस सीमेंट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम दैट अकर व्हेन इट सेटल्स। एक्सपेंसिव सीमेंट का मेन डिफरेंस ये है कि एक्सपेंसिव सीमेंट क्या करता है कि जब ये सूखता है, जब ये सूखता है, इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम आती है, इनिशियल सेटिंग आती है, तो ये क्या करता है अपने आप को एक्सपेंड कर, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। यूज्ड टू न्यूट्रलाइज श्रिंकिंग ऑफ कंक्रीट मेड फ्रॉम ऑर्डनरी सीमेंट सो एज एलिमिनेट क्रैक्स। इसका इस्तेमाल अगर मान लो कि हमने ऑर्डनरी सीमेंट से अगर कोई क्यूब बनाया या कहीं पे हमने यूज़ किया उसका, तो जब वो सूखता है उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, उस क्रैक्स को ओवरकम करने के लिए हम उसमें एक्सपेंसिव सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसमें क्रैक्स डेवलप ना हो। इट इज़ स्पेशली डिज़ायरेबल फॉर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में बनाने के लिए किया जाता है, जैसे डैम्स हो गए, हमारे स्टोरेज टैंक हो गए। इन रिपेयर वर्क्स में बात की जाए, इट इज़ एसेंशियल दैट द न्यू कंक्रीट शुड बी टाइट फिटिंग इन द ओल्ड कंक्रीट। अगर आपने रिपेयर वर्क करना है तो ओल्ड कंक्रीट में जब आप न्यू कंक्रीट डालोगे तो वो उसकी टाइट फिटिंग होनी चाहिए। दिस कैन बी डन बाई यूजिंग दिस, और तभी सोचते जब हम इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर्ड सीमेंट सूटेबल पिगमेंट यूज टू इम्पार्ट डिजायर्ड कलर, हम क्या करते हैं सूटेबल पिगमेंट यूज़ कर सकते हैं अपना मर्जी से कोई भी कलर लेने के लिए। पिगमेंट यूज्ड शुड बी ड्यूरेबल लाइट अंडर सन और वेदर, हमने जो भी पिगमेंट यूज़ करना है वो ड्यूरेबल होना चाहिए लाइट में भी, सन में, या किसी और एक्सट्रीम वेदर में। नेक्स्ट आता है वाइट सीमेंट,
ओपीसी विद प्योर वाइट कलर प्रोड्यूस्ड, जो ऑर्नरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो प्योर वाइट कलर में प्रोड्यूस किया जाता है विद ए वाइट चाक आर क्ले फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड एज आयरन ऑक्साइड गिव्स अ ग्रे कलर टू सीमेंट। आयरन ऑक्साइड क्या करता है, ग्रे कलर प्रोवाइड करता है सीमेंट को। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी फॉर वाइट सीमेंट टू कीप द कॉन्टेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड इज लो एज पॉसिबल। अगर हमें वाइट सीमेंट चाहिए तो हमें आयरन ऑक्साइड को लो रखना जितना पॉसिबल हो सके। इंस्टेड ऑफ कोल ऑयल फ्यूल इज यूज फॉर बर्निंग। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।